जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी के 241 कॉलेजों की मान्यता अब खतरे में आ गई है। तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि 241 कॉलेज कौन कौन से हैं और किन किन स्टूडेंट पर प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि किन किन स्टूडेंट की डिग्री पर प्रभाव पड़ेगा और किन की डिग्री पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पूरी डिटेल में एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यदि आप भी सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं उनकी एफिलिएशन के बारे में। तो साथियों, एफिलिएशन के बारे में पूरी डिटेल में पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। साथियों, यदि किसी कॉलेज को अपने यहां पर कोई कोर्सेज चलाने हैं, यदि आपके वो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं या नॉर्मल कोर्सेज हैं, जैसे हम बात करें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, तो उसके लिए वो सीधा अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में। यदि यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड हो जाता है कॉलेज, तो यानी कि उनकी बिल्डिंग वगैरह, टीचर वगैरह, यदि उनकी फाइल अप्रूव्ड हो जाती है तो यूनिवर्सिटी से अप्रूवल मिल जाता है, यूनिवर्सिटी से उनको सीट मिल जाती है, यानी कि वो अपने यहां पर इन कोर्सेज को चला सकते हैं। अब यदि कोई काउंसिल का कोर्स उनको चलाना है, यदि कोई काउंसिल का कोर्स रन करना है, जैसे कि एलएलबी हुआ, बीएलएलबी हुआ या फिर आपका बीएड हुआ, तो उसके लिए उनको अलग प्रोसीजर करना पड़ता है। अब जैसे हम बात करें एक कॉलेज को अपने यहां पर एलएलबी चलानी है, तो उसके लिए उसे पहले अपनी फाइल तैयार करने के बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि बीसीआई में अप्लाई करना पड़ेगा अपने यहां पर। तो अब वहां से जब अप्रूव्ड हो जाएगा, उसके बाद में फिर वहां से फिर आपको अप्रूव्ड होने के बाद में तब फिर यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन मिलता है। इसी तरीके से आपका बीएड में है, यदि किसी कॉलेज को अपने यहां पर बीएड चलानी है, तो बीएड के लिए पहले जो फाइल लगेगी वो लगेगी एनसीटीई में, यानी कि पहले एनसीटीई में फाइल लगेगी, उसके बाद में जब वहां से अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद में फिर यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन मिलती है, यानी कि सीट मिलती है कि 100 सीट या 200 सीट या 60 सीट। तो आप समझ गए होंगे, पहले जो अप्रूवल होता है काउंसिल के कोर्स के लिए वो जरूरी होता है पहले उस काउंसिल से। तो अब इसी तरीके से जो आपका बीएड के कॉलेजेस हैं, तो बीएड के लिए जो आपका एनसीटीई से अप्रूव्ड कॉलेज होते हैं, क्योंकि तभी वो अपने यहां पर बीएड चलाते हैं, तो उनके लिए एक रिपोर्ट मांगी गई थी, यानी कि प्री अप्रेजल रिपोर्ट मांगी गई थी अब से लगभग 2 साल पहले। अब बहुत सारे कॉलेजों ने इसको तैयार किया और बहुत सारे कॉलेजों ने इसको तैयार नहीं किया, यानी कि काफी सारे कॉलेजों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और काफी सारे कॉलेजों ने इसको सबमिट नहीं किया। तो मामला चला गया कोर्ट में, जब सबमिट नहीं हुआ तो एनसीटीई ने उनका सेशन जीरो करने के लिए कह दिया कि इनका सेशन जीरो कर दीजिए। तो अब काफी सारे कॉलेज थे, तो कॉलेज कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाने के बाद में फिर वहां से आपका कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि सेशन जीरो नहीं किया जा सकता, तो फिर से उनको अप्लाई कर दिया, यानी कि उनको अलाउ कर दिया। लेकिन अब फिर से एनसीटीई ने मांगी है रिपोर्ट, और इस बार बड़ी सख्ती से कहा है कि इन जो 241 कॉलेजेस हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के, यदि इनकी प्री अप्रेजल रिपोर्ट नहीं आती है तो इनका सेशन जीरो कर दिया जाएगा, यानी कि इन कॉलेजों का कोड भी आपका जो काउंसिल कोड है उसमें नहीं आएगा। इसके लिए उनको 21 दिन का समय दिया गया है, 21 दिन में उनको अपनी पूरी रिपोर्ट ये सबमिट करनी है। अब ये प्री अप्रेजल रिपोर्ट है क्या, इसमें आपको अपने कॉलेज के बारे में पूरा बायोडाटा देना है, यानी कि कॉलेज को अपना पूरा बायोडाटा देना है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं, ना उनके पास बिल्डिंग है, ना उनके पास फैकल्टी है, ना उनके पास लैब है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर भी वो बीएड चला रहे हैं। तो अब ऐसे कॉलेज नहीं चलने वाले हैं। तो पूरी डिटेल मांगी गई है कि आपके यहाँ पर कितना टीचिंग स्टाफ है, कितना नॉन टीचिंग स्टाफ है, कितना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने क्लासरूम है, लैब क्या है, कौन सी फैसिलिटी है, तो इन सब की रिपोर्ट उसमें मांगी गई है। यदि इसमें कोई भी, यानी कि कोई अधिकारी कोई दोषी पाया जाता है, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि बड़ी ही सख्ती से इसको इस बार लिया जा रहा है। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि यदि आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, मैं एलएलबी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीएड की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी कोर्स में, तो एक बार पहले उस कॉलेज का रेपो देखिए, उसके पास स्टाफ है, फैकल्टी है या नहीं है, तो आप उसको एक बार जरूर चेक कर लें। अब इसमें बात करते हैं किस किस स्टूडेंट पर प्रभाव पड़ने वाला है और किस किस स्टूडेंट पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो साथियों, जो बच्चे अभी भी बीएड कर रहे हैं, यानी कि जिनका बीएड चल रहा है, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और इस बार जो एडमिशन लेंगे, तो वो बच्चे जरूर ध्यान दें कि जो बच्चे इस बार बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो उनको बीएड में एडमिशन अभी से अपने किसी भी कॉलेज में जाके डायरेक्ट फीस सबमिट ना करें, क्योंकि यदि आपने कॉलेज में फीस सबमिट कर दी, तो अब अभी पोर्टल ओपन नहीं है, काउंसलिंग का अपनी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तब तक जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती, ना तो आपको ये पता है कि उस कॉलेज का नाम काउंसलिंग में है लिस्ट में या फिर नहीं है। तो आप जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है, तब तक आप अपना एडमिशन कंफर्म किसी भी कॉलेज में फीस सबमिट ना करें।
तो फीस आपको जब ही सबमिट करनी है जब आप अपना काउंसलिंग के थ्रू ही आप अपना कॉलेज सेलेक्ट करें, क्योंकि जो कॉलेज आपके काउंसलिंग की लिस्ट में आएंगे वो कॉलेज बिल्कुल ठीक होंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साथियों मैंने ऑलमोस्ट सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि आपका अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, या किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना है कि कौन कौन से कॉलेज हैं, हम इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी टीम या मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से और हर साल स्कॉलरशिप भी बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, तो एक बार जाकर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराइएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।